नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले किसान बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नजर। हरिद्वार में बकाया भुगतान को लेकर गन्ना किसानों के तेवर सख्त। भुगतान न मिलने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान। चीनी मिल को दिया 31 मार्च तक का समय। नए वित्त वर्ष में ना के बराबर बढ़ेगी मनरेगा की मजदूरी। कांग्रेस का मोदी सरकार पर साधा निशाना। गरीब विरोधी होने का लगाया आरोप। लंबे संघर्ष के बाद असम में गन्ना किसानों को राहत। सरकार ने दी ठोस गुड़ को खरीदने बेचने की छूट। काले गुड़ पर पाबंदी बरकरार। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से पंजाब के किसान परेशान। हरियाणा में फसल बेचने के लिए नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। किसानों को सता रही फसल बेचने की चिंता। बुलेटिन में सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में गन्ना किसानों ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ये किसान लंबे समय से बकाया भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यहां की मिल पर पिछले पेराई सत्र का तकरीबन 48 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों का कहना है कि इन्हें भुगतान के नाम पर बीते 4 महीनों से महज आश्वासन ही मिला है। अब किसानों ने 31 मार्च तक बकाया भुगतान की शर्त रखी है। उन्होंने मांग ना पूरी होने पर लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने और धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। हमारी मांग है गन्ना का पैमिटेशन ना पछला हुआ और ना अगला हुआ, इस वजह से चुनाव का बहिष्कार करा आपने 2019 का। बहिष्कार करेंगे, हमारी वो चल रही जनसंपर्क चल रहा है सभी का, मम अपना काम करते रहो, लेकिन जो भी वोट मांगने के लिए आओ उससे पहले भुगतान मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अयोध्या में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों, आवारा जानवरों और गरीबों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के इन 5 सालों में किसान केवल कर्ज में डूबे हैं। उन्होंने न्यूनतम आय योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होने का भी दावा किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार में गरीबों और किसानों की बात सुनने की हिम्मत नहीं है। कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते, दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है ये, और सरकार व्यस्त है टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है कि आज किसान को अपने खेत में बैठ के चौकीदारी अपने खेत की करनी पड़ती है। किसानों के चुनाव मैदान में उतरने से तेलंगाना में लोकसभा की निजामाबाद सीट पर चुनाव रोचक हो गया है। यहां पर मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के खिलाफ तकरीबन 170 हल्दी और ज्वार किसानों ने पर्चा भरा है। ये किसान हल्दी और लाल ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय ना किए जाने और हल्दी बोर्ड ना बनाने से नाराज है। किसानों का कहना है कि वह अपना विरोध जताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 185 हो गई है। इससे यहां पर अब मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा ताकि सभी उम्मीदवारों के नाम और तस्वीर आसानी से आ सके। 2014 में इस सीट से TRS की के कविता जीती थी। तेलंगाना में लोकसभा की सभी सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में तेजी आई है, लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हुई। ये आंकड़े ग्रामीण संकट और बेरोजगारी बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। एक और चिंताजनक बात यह कि नए वित्त वर्ष में मनरेगा मजदूरी में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, 8 साल में रोजगार की सबसे ज्यादा मांग, पर मजदूरी में ना के बराबर इजाफा, ये हकीकत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की, जिसकी मजदूरी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस साल महज 2.16% बढ़ोतरी की है। ये बीते कई सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, कर्नाटक, केरल
और पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा की मजदूरी बढ़ी ही नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 1 रुपए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महज 2 रुपए मजदूरी बढ़ी है। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। Plenty of promises with regards to rural wages, farmer incomes, ensuring that farmers got the so-called due that they deserved. But ever since Mr. Modi has come into power, we have seen how he has waged a war. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा मजदूरी न बढ़ने के लिए इसे तय करने वाला फार्मूला बड़ी वजह है। दरअसल महेंद्र देव समिति ने मनरेगा मजदूरी को राज्य की न्यूनतम मजदूरी के बराबर करने और ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसकी सालाना समीक्षा करने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे नहीं माना और अतिरिक्त सचिव नागेश सिंह की अध्यक्षता में दूसरी समिति बना दी। इस समिति ने भी ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मनरेगा मजदूरी की समीक्षा करने की सिफारिश दी, पर मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। नतीजा ये रहा कि आज मनरेगा मजदूरी की समीक्षा खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है, जिसे कई समितियां पुराना बताकर खारिज कर चुकी हैं। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरी ऐसे वक्त में नहीं बढ़ी जब रोजगार की मांग में 8 साल में सबसे ज्यादा उछाल आया है। 2018-19 में 25 मार्च तक मनरेगा के तहत 255 करोड़ दिनों का रोजगार पैदा हुआ, जिसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 2017-18 में 233 करोड़ जबकि 2016-17 और 2015-16 में 235 करोड़ दिनों का रोजगार पैदा हुआ था। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से आमदनी घटने और बेरोजगारी बढ़ने का संकेत दे रही है। ऐसे में मजदूरी में मामूली इजाफा मोदी सरकार के गरीब किसान हितेशी होने के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य शंकर सिंह जी से। शंकर जी, किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। 8 सालों में काम की सबसे ज्यादा मांग मनरेगा के तहत, लेकिन मजदूरी ना के बराबर, क्या कहेंगे आप? जी जो मैं बोलूं? जी मैं ये हेलो, आप क्या हमें सुन सकते हैं? हाँ। शंकर जी, मेरा सवाल ये है कि 8 सालों में मनरेगा के तहत काम की सबसे ज्यादा मांग सामने आई है, लेकिन मजदूरी बिल्कुल ना के बराबर। राजस्थान में इन्होंने कई साल मजदूरी बढ़ाई नहीं और इस बार इन्होंने कहा 7 रुपए बढ़ाएंगे, अप्रैल से बढ़ाएंगे, मतलब 2 साल में इन्होंने 7 रुपए बढ़ाए। जी ये एक्चुअली नरेगा को केवल वोटों के लिए चलाना चाहते हैं, ये खत्म इसलिए नहीं करना चाहते कि इसके बहाने हम वोट ले सकते हैं लोगों से। हम कह रहे हैं कि नरेगा में है, लेकिन नरेगा को अंदर से बिल्कुल मारने की तैयारी है। मिनिमम वेज स्टेट की मजदूरी अलग है, नरेगा वेज बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जब मिनिमम वेज नहीं देते हो तो बंधुआ मजदूरी कराने के बराबर है, तो खुद सरकार बंधुआ मजदूरी करवा रही है। ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मनरेगा मजदूरों से ये बंधुआ मजदूरी सरकार खुद करवा रही है, तो किसके पास जाएंगे? शंकर जी, 2006 में जब मनरेगा को लाया गया था तो एक दौर देखा जहां ग्रामीण आबादी काम में लगी और काफी हमने देखा कि किस तरह से गांव में खुशहाली भी आई, लोगों को मिनिमम 100 दिन की जॉब का गारंटी मिला और कई बार जब कुछ नेचुरल कैलामिटी आई तो वो 150 दिन तक भी गई, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई। अब जब किसानों की बात हो रही है कि सरकारें किसान हितैषी होने का दावा कर रही हैं, गरीबी हटाने के लिए भी तमाम जतन किए जा रहे हैं, इस सब के बीच सम्मान निधि योजना, न्याय योजना के बीच आप इस मनरेगा की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? मुझे मनरेगा, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो मजदूरों को गारंटी देता है काम की। ये बहुत मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत तगड़ी योजना है। हम मजदूरों के साथ, किसानों के साथ काम कर रहे हैं। किसान का अपना जिंदगी पूरा चलता नहीं है, उसको भी मजदूरी बनना पड़ता है। तो ये मनरेगा इस तरह से बहुत मजबूत अगर ढंग से चले तो, लेकिन ये सरकार की इच्छा नहीं है इसको ठीक से चलाने की, इसीलिए पैसे भी नहीं दे रही है। इतने बकाया पैसे, 5-5, 6-6 पखवाड़े हो गए, लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे।
क्योंकि ये दिखाते, क्योंकि यहाँ जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली तो मनरेगा में काम ज्यादा देना चालू किया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि पैसा तो भारत सरकार दे रही है। तो भारत सरकार जब मनरेगा चलाना ही नहीं चाहती है तो इसको मारने के प्रोग्राम बनाती है। शंकर जी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो खींचातानी है, जैसे कि आपने बताया, ये आपको क्या लगता है ये कब खत्म होगी? और असल में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत, जैसे कि आपने बोला कि बहुत अच्छी स्कीम है और जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसमें सुधार के आप क्या चीजें सजेस्ट करते हैं? जब तक राजनीतिक इच्छा नहीं होगी तब तक सुधार ऊपर से होना है। ऊपर से अगर सरकार चाहती नहीं है तो वो किसी भी रूप में मनरेगा को मार सकती है। कम पैसे देके खत्म करेगी, काम देगी नहीं, आप काम मांगो काम मिलेगा नहीं, अगर काम मिल गया तो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट मिलेगा तो इतना कम देंगे कि लोग अपने आप उसे टूटने लग जाएंगे। आज सख्त जरूरत है मनरेगा को ठीक से चलने की। लोग काम मांगते हैं, उनको रसीद मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, काम के पैसे मिलने चाहिए, समय से पेमेंट होना चाहिए। 15 कानून कहता है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उसको उसका हर्जाना मिलना चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट मिलनी चाहिए, वो भी नहीं देते हैं जी। तो सारा पैसा तो है भारत सरकार से और इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सरकार है। अगर मान लो वहां से ऊपर से ही नहीं देंगे तो ये इम्प्लीमेंट क्या करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो शंकर सिंह ये बताते हुए कि किस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच जो खींचातानी है उसकी वजह से जो ये मनरेगा जैसी योजना है वो अपना मुकम्मल लाभ जो है ग्रामीण आबादी तक नहीं पहुंचा पा रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। पशुपालन की लागत बढ़ने और दूध के सही दाम ना मिलने का असर दूध उत्पादन पर पड़ा है। नए वित्त वर्ष में घरेलू दूध उत्पादन की वृद्धि दर बीते 3 साल की तुलना में काफ़ी नीचे रहने वाली है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बजट भले ही 750 करोड़ रुपए कर दिया हो, लेकिन नए वित्त वर्ष में दूध उत्पादन की वृद्धि दर गिरने वाली है। सलाहकारी संस्था क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में दूध उत्पादन की वृद्धि दर 3-4% रहेगी, जो बीते 3 वित्त वर्षों में 6.5% थी। दूध उत्पादन की वृद्धि दर गिरने के पीछे कमजोर निवेश, पशुपालन की बढ़ती लागत और दूध की कीमत में ठहराव को प्रमुख वजह बताया है। आखिरी बार 2017 में दूध की कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ था, जिसके बाद कीमतें नहीं बढ़ी हैं। डेयरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत में गिरावट की भी मार झेलनी पड़ी है। बीते साल पशुपालकों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात पर 10% सब्सिडी देने, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने 6 महीने तक प्रति किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर पर 50 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। जो दूध के भाव मिल रहे हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि लूट हो रही है किसानों की। सारा का सारा दूध जो है नकली बिक रहा है बाजार के अंदर। सरकार ने अगर ये नकली दूधों के ऊपर ये किया, और अगर जैसा कि 15 करोड़ ही लीटर दूध अगर मिलता है और डिमांड अगर 60-65 करोड़ की है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दूध के जो है दाम किसानों को अच्छी तरह से मिल सकते हैं। गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, नकली दूध बिक रहा है करके ये सारी चीजें हो रही है। दूध उत्पादन की कमजोर वृद्धि दर के साथ क्रिसिल ने नए वित्त वर्ष में दूध की खपत और इसमें कीमतें बढ़ने का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो ये कम कीमतों से परेशान दूध उत्पादकों के लिए राहत की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम खबरें, देखते रहिए किसान बुलेटिन। मैं पब्लिक हूं, रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है, रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे, मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे
जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज। मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों ने हाथ में जूता लेकर प्रदर्शन किया। वे गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ हुए विवाद से नाराज है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ने किसान नेता अरुण राणा से बहस में अपना जूता निकाल लिया था। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में नेताओं ने जिला मुख्यालय पर हाथों में जूता लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सहारनपुर के जिलाध्यक्ष को ना हटाए जाने पर भाजपा के विरोध में मतदान करने की चेतावनी दे डाली है। एक कदा किसान ने कह दिया खड़ा होगा गन्ने का पेमेंट तुम झूठ बोले, इतना नहीं मिला। ये कह दिया तुम्हारा 6 दिन का हाथ, 6 दिन किसके आगे, बुरे दिन आगे भरे तो हो रहा हूँ हम तो ये देख रहे हैं दुर्वाई ना कुछ भी भाई प्रशासन हो बेलगा में सरकार में किसकी बात कर रहे। और देखो ऐसे टाइम पे इब तो जो ये खुंकार में भी आज जोड़ते फिर यू लगा जूते ठाण तो ऐसे बेवकूफ़ आदमी का संगठन में क्या काम। किसान समाज बीजेपी का यदि जिला अध्यक्ष को दंडित नहीं करती तो किसान समाज बीजेपी का चुनाव में बहिष्कार कर दूसरी पार्टी को वोट देगा। हरियाणा सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से एक योजना शुरू की है, लेकिन ये योजना पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। हरियाणा सरकार की योजना पंजाब के किसानों पर भारी। हरियाणा की मंडियों में फसल नहीं बेच सकते पंजाब के किसान। किसानों ने लगाई योजना पर पाबंदी की मांग। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हरियाणा सरकार की ये योजना पंजाब के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पंजाब में फसल की सही कीमत ना मिलने पर यहां के किसान अपनी फसल हरियाणा की मंडियों में बेचते रहे हैं, लेकिन योजना के चलते अब ये किसान कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नाराज किसान योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हमारे पे बासमती जीरी होती है वो हरियाणा में बिकती है ज्यादा, जैसा काम हो जाए बंद कर दें हम कहाँ जाएंगे बेचने। सरकार से मांग करते हैं बिकनी चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए, जहाँ मर्जी बेच सके अपनी। कोई भी जिमीदार कोई भी स्टेट का हो वो अपनी फसल किसी भी स्टेट में अच्छे दाम मिलते हों तो वहाँ पर बेचने का हकदार है वो। हरियाणा सरकार को ये योजना जो ली है कि हमारी स्टेट में और जिमीदार आ नहीं सकता उसको आने की इजाजत होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को मंडियों में MSP पर फसल बेचने के लिए अपनी फसल का वेबसाइट ब्यौरा देना होगा, लेकिन पेच ये है कि इस वेबसाइट पर सिर्फ हरियाणा के किसान ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी और किसान संगठन इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। किसान जो देश के लिए मर रहा है उसको आप मतलब उसको बॉर्डर लगा रहे, तो आप किसान को मरने के लिए छोड़ सकते हो? हम किसानों को लामबंद करेंगे और उनको बोलेंगे कि ठीक है अगर ये नहीं खरीदना चाहते तो फिर कुछ भी ना दो इनको, इनको कणक भी मत दो, इनको इनको चावल भी मत दो, इनको कुछ ना दो इनको। बीजेपी गवर्नमेंट MSP रिजाइन से भागने के लिए ये तैयारी कर रही है और सरकारी खरीद से भागना चाहती है, तो ये तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की भी उल्लंघना है। तो मैं समझता हूँ इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक कंटेंप्ट पिटीशन डालनी चाहिए। बेशक ये योजना हरियाणा के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, मगर पंजाब के किसानों के लिए हरियाणा की मंडी के दरवाजे का बंद होना इन किसानों के लिए किसी झटके से कम नहीं। ऐसे में पंजाब के किसानों की नाराजगी बहुत स्वाभाविक है।
योजना किसानों के हित में नहीं है, ऐसे में हरियाणा सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। कैमरामैन जसविंदर शर्मा के साथ पंजाब से स्वराज एक्सप्रेस के लिए ईशा ठाकुर। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर से। ईशा, ये जो योजना है इसको लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हैं कि जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए तो बताया जा रहा है कि ये योजना लाभप्रद होगी, लेकिन पंजाब के किसान जो है इससे गुस्सा है। जी, क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब और चंडीगढ़ या इसके अलावा दूसरे राज्यों की, अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो ये सभी वो राज्य है जिनके किसान जो है अब हरियाणा में नहीं बेच पाएंगे अपनी फसल, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से मेरी फसल मेरा विवरण जो योजना लाई गई है इसके तहत पहले किसान को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये जो योजना है ये हरियाणा के किसानों के लिए काफी लाभकारी है, लेकिन हरियाणा के किसान भी ज्यादातर ऐसे ही है जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से की गई है वो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और जो किसान है उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें पंजाब और दूसरे राज्यों के किसानों की, पहले जो है ऐसी पाबंदी नहीं थी कि हरियाणा में जाके नहीं बेच सकते थे किसान, लेकिन अब जो है जो हरियाणा की खट्टर सरकार है जाते जाते जो है उनकी तरफ से ये फरमान भेजा गया है कि कोई भी किसान हरियाणा से बाहर का हो वो आकर नहीं बेच पाएगा। चाहे ईशा, हरियाणा सरकार ऐसे में क्यों लाई है ये योजना, इस योजना के पीछे क्या कारण है, क्या इससे राज्य के किसानों को कोई खास फायदा मिलेगा? प्रधान ने उनका कहना है कि साफ तौर से उल्लंघना एक तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि 1974 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था साफ तौर से कि किसी भी किसान को चाहे वो किसी भी राज्य का हो उन्हें इस तरीके की पाबंदी नहीं करनी चाहिए, वो कहीं भी जाकर जो है अपनी फसल बेच सकते हैं। जी ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। असम में गन्ने की खेती और गुड़ के कारोबार से जुड़े लाखों लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से इन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद असम के गन्ना किसानों को आखिरकार राहत मिल गई है। सरकार ने किसानों को सफेद और ठोस गुड़ बाजार में बेचने की इजाजत दे दी है। लग रहा है कि नहीं, बाजार खुलेगा और गुड़ बिक्री होगा। सरकार अभी जो है इस पर कार्रवाई की कर रही है, सुन रही है। उनसे मीटिंग पहले वालों माने जितना जल्दी हो कि माने गुड़ के बाजार खुली, ये से माने गिरावट आदमी के थोड़ा खुशी बात है। माने ये आशा बा कि माने बाजार खुल जाए तो बहुत बढ़िया रहा। जहरीली शराब से मौत के बाद अवैध शराब उद्योग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लाली गुड़ की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इसकी चपेट में सारे तरह के गुड़ आ गए थे। हालांकि सरकार ने पशुओं को खिलाए जाने वाले काले यानी कैटल गुड़ पर पाबंदी बरकरार रखी है। गुड़ को लेकर किसी प्रकार से रोक टोक ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर भी करीबन 8 लाख किसानों की साथ की समस्या है और खाने वाले गुड़ पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सरकार के तरफ से भी खाने वाले गुड़ पे कोई भी रोक टोक और प्रतिबंध नहीं है। असम में चीनी मिल ना होने से यहाँ के गन्ना किसान खुद गुड़ बनाते हैं। ऐसे में अगर सरकार अवैध शराब रोकने के लिए गुड़ के कारोबार पर लगाम कसने के बजाय अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करती तो किसानों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। असम के कार्बी आंगलोंग से संतोष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पॉली हाउस किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसकी मदद से किसान फूलों और सब्जियों की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये रिपोर्ट। ये रंग बिरंगे खुशबू बिखेरते एक से बढ़कर एक सुंदर फूल और इनसे हो रहा अच्छा खासा मुनाफा, ये सब संभव हुआ है पॉली हाउस तकनीक से। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वैभव पांडे ने बीटेक करने के बाद खेती की ओर रुख किया। वे अपने पिता के साथ मिलकर मुंडेरवा गांव में आज जरवेरा फूल की खेती कर रहे हैं। मैंने बीटेक किया है आईटी में और मेरा हमेशा से फूलों की खेती या खेती में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कुछ जो किसान इसकी खेती कर रहे थे पॉली हाउस की और कुछ नेट से मैंने जब रिसर्च किया
तो वहीं से मुझे आइडिया आया, उसके बाद फिर मैंने पॉली हाउस की खेती शुरू। दरअसल पॉली हाउस तकनीक फूल और सब्जियों की खेती के लिए जरूरी तापमान बनाए रखने में मददगार होती है। इसमें सिंचाई और खादों का सलीके से इस्तेमाल किया जाता है। पॉली हाउस बनाने के लिए राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। यही वजह है कि अब किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विभाग इसमें 50% का अनुदान देता है। इसमें पहले हमारा कार्यक्रम अप्रूव होता है और भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार की सब्सिडी सीधे शासन द्वारा इनको दी जाती है। हालांकि खासतौर पर फूलों की खेती करने वाले किसानों को बाजार की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। आसपास बाजार ना होने से इन्हें फूलों को लखनऊ भेजना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम फूलों के बढ़ते इस्तेमाल ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। वर्तमान में इस फूल को भेजने के लिए लखनऊ पैक करके भेजना पड़ता है, जो थोड़ा सा खर्चीला भी पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि लोकल में प्रशासनिक या सरकारी कोई व्यवस्था इसके प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इससे आय और बढ़ सकती है। पारंपरिक खेती किसानों के लिए नुकसान का सौदा बनी हुई है। ऐसे में पॉली हाउस में सब्जियों और फूलों की खेती से किसानों को मुनाफा तो हो ही रहा है, साथ ही युवाओं को भी खेती के लिए लुभाने में कामयाब नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से राजू मौर्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।